हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम डूइंग वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। वेरीफाई करना है 729 की पावर -5/3 होल पावर -1/2 इज इक्वल टू 729 पावर -5/3 इंटू -1/2। तो इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही प्रूव करनी पड़ेंगी। तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये LHS लिख लो। LHS से स्टार्ट करते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट लगाओ पहले, तो स्क्वेयर ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में 729 स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर पावर आएगी -5/3, फिर स्मॉल ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है इसको आप क्लोज कर दो और आउटर पावर -1/2 लिख दो, राइट। अब आपने क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना। स्मॉल ब्रैकेट में 729 बेस एक बार लिखा, -5/3 पावर को -1/2 पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब 729 माइनस और माइनस आपस में प्रोडक्ट में प्लस बन गए, तो 5/3 2000 बन गया 6। अब ये पता लगाना है किस नंबर को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाए, राइट। तो 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 243 को 3 से करके देखते हैं, ये बन गया 729। तो आपने क्या करना, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 पावर 6 कर दी एंड आउटर पावर इज 5/6। अब आपने एक बार बेस लिखा 3, पावर 6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई कर दी, 6 और 6 को कर दो कैंसल पावर्स को, ये आ गया 3/5। अब 3/5 कितना आता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, तो ये आ गया 243, राइट। अब आपने RHS लेना है, RHS, तो RHS में स्मॉल ब्रैकेट में 729 है और इसकी पावर -5/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। 729 एक बार लिख करके पावर को आपने किया मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5/3 2 6, ये फिर से वही डिनोमिनेटर 6 देखा आपने, तो 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, तो 3/6 होल पावर इज 5/6, राइट। अब आप 3 एक बार लिख करके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5/6, 6 और 6 को कैंसिल कर दो, यू आर गेटिंग नाउ 3/5, और 3/5 की वैल्यू क्या होगी, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 243। तो जब आपने LHS सॉल्व किया तब भी आपको 243 मिला, जब आपने RHS सॉल्व किया तब भी आपको 243 मिला, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो आपका सॉल्यूशन जो है वो वेरीफाई हुआ। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन कंप्लीटली। थैंक यू।